नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। जूते में दबा दे यह चीज, जहां जाओगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। घर मकान दुकान हर तरफ पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें या काट काट करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी बहुत ही कम मिलती है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल उपाय से आप उपाय करके अपने जीवन को धनवान बना सकते हैं। अब तक जो भी आपने किया है उपाय, उस उपाय से यदि आपको फल ना मिला हो तो इस एक उपाय को करना बहुत ही सरल है, जिसे करने से बहुत से व्यक्तियों को लाभ भी मिल चुका है, तो आपको भी अवश्य मिलेगा। बस आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो के बारे में। जूते में दबा दो यह चीज, जहां जाओगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा आपके घर में। दोस्तों प्राचीन काल से ही बड़े बुजुर्गों का व मान सम्मान वाले व्यक्तियों का मान सम्मान करने की प्रथा चली आ रही है। हम लोग उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के पैरों को स्पर्श करना एक महान कार्य बताया गया है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए हम उनके चरण को स्पर्श करते हैं। दोस्तों व्यक्ति के चरणों में नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा हमें एक ओर जिंदगी में तरक्की की ओर ले जाती है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा यदि हमारे जीवन में अवशोषित हो जाए तो हमें गरीबी निर्धनता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जूते में रखने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे रखने से आपके भाग्य उदय हो जाएंगे और धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान व धन दौलत से परिपूर्ण स्थान प्राप्त होगा, या फिर यूं कहें कि आपकी बंद किस्मत का ताला कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने ही वाले हैं कि आपको वह कौन सी वस्तु है जो अपने जूते में रख लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी बात आपसे कहनी है। यदि आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो, और अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि दोस्तों हम जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डालेंगे जो कि ज्ञानवर्धक हो और आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान कराने वाली हो, वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हर एक उपाय को समझ सकें और अपने जीवन में पूर्ण विधि विधान से करके तरक्की की ओर अग्रसर हो सकें और समाज में अपना वे अपने बड़ों का नाम कर सके। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों फिटकरी को ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ तंत्र शास्त्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी के जहां वैज्ञानिक आधार है, इसे गंदे से गंदे पानी में डाल दे तो पानी भी स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप फिटकरी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपकी जिंदगी की जितनी गंदगी होती है, गंदगी अर्थात आपकी कंगाली निर्धनता और आपके जितने भी कामों में रुकावट आती है, ये सभी आपकी जिंदगी की गंदगी ही तो होती है, इसे भी पूर्णतः साफ कर देती है। बस आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप संपूर्ण विधि का अनुसरण करें। दोस्तों जिस प्रकार से फिटकरी पानी को साफ करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में धन प्राप्ति की सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का कार्य करता है। यही नहीं, यदि आप पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर के घर में पोछा लगाते हैं तो आपके घर के सभी नकारात्मकता तो दूर होती है, नकारात्मक नजर दोष आदि से आपको मुक्ति मिलती ही है, साथ ही सभी प्रकार के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि चारों ओर से धन बरसने लगता है। इतनी शक्ति होती है एक छोटी सी फिटकरी में। तो दोस्तों अगर आप छोटी सी फिटकरी को अपने जूते में रखते हैं तो इससे आपको धन आदि प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होता है।
इसके अलावा हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे जूते में रखने से उन व्यक्तियों की भी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है जो अपने जिंदगी में अत्यधिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। चाहे आप धन अभी कमाते हैं नहीं भी कमाते हैं, या फिर आपके मनोवांछित धन आपको प्राप्त है या नहीं है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो कि व्यापार करते हैं और भी ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक वरदान स्वरूप है लौंग। दोस्तों, आदि काल से ही लौंग का प्रयोग सभी प्रकार की पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है और यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ तंत्र क्रियाओं में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस छोटी सी लौंग में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे दूर रखती है। आपके पैर जहां भी पड़ते हैं वहां केवल आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से ही सामना होता है। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लेने की शक्ति होती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को ये आपसे दूर रखती है। इसीलिए दोस्तों, केवल दो लौंग जब भी कभी आप किसी मुख्य कार्य पर जाएं या फिर अपने धन बढ़ोतरी करने के लिए व्यापार स्थल पर, नौकरी स्थल पर जाएं, तो जूते पहनकर जब भी आप जाएं तो जूते में दो लौंग रख करके जाएं। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति हो, तरक्की हो, या फिर व्यापारी वर्ग के लोग चाहते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा धन प्राप्त हो, या फिर यूं कहिए कि व्यापारी वर्ग के लोग जो कि धन की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, वे जब भी ऑफिस या व्यापार स्थल पर जाएं तो अपने जूते में दो लौंग डालकर ही जाएं। ऐसे व्यक्ति जो दो लौंग रख करके अपने जूते में रख करके जाते हैं, ऐसे लोगों को नकारात्मक शक्तियां कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। राहु, केतु, शनि, भूत, प्रेत, आत्मा, बाधा, व्याधि, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे सदैव दूर रहती हैं। निरंतर आपको तरक्की ही तरक्की होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जूते में फिटकरी और दो लौंग आप रख सकते हैं। चाहे तो आप दोनों चीजों को रखें या फिर एक चीज को रखें। ऐसा करने से आपको अपने जिंदगी में हमेशा मंगल ही मंगल होगा, तरक्की ही तरक्की होगी और धन ही धन आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय बजरंगबली।